जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो कोई भी परेशानी हो, जैसे शादी नहीं हो रही, रोज़गार, नौकरी, पैसा, व्यापार, जो भी परेशानी हो, आप स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क और फीस लागू है, फीस पे करके बात कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खराब शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ हमारे घर में कौन व्यक्ति ला रहा है और इन खराब शक्तियों से हमें कितनी सारी परेशानियाँ झेलना पड़ रही है। जैसे काम नहीं बनना, व्यापार नहीं चलना, घर में कोई ना कोई अस्वस्थ हमेशा बने रहना, घर में नेगेटिविटी होना, मतलब कई सारी चीज़ें जो हम इस खराब शक्तियों की वजह से, इन खराब चीज़ों की वजह से हम भुगत रहे हैं, जो शायद हम नोट भी नहीं करते, चाहे हम वो चीज़ें देख भी नहीं पाते हैं और हम उसे अनदेखा करते और हमेशा स्ट्रगल के साथ जीवन जी रहे हैं। तो वो कौन ला रहा है और कौन लाने के साथ साथ हम उन वो कैसे आ रही है हमारे घर में, पहली बात तो ये, और दूसरी बात है कि अगर वो आ रही है तो उनका निवारण क्या है, तो आ कैसे रही है और उसका निवारण कैसे किया जाए, इस दोनों विषयों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी बहुत सारी परेशानियाँ जो है, जिसके साथ आप जूझ रहे हैं, वो आपकी ख़त्म हो सकती है। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, बातों को बहुत ही गंभीरता से और बारीकी से इन पर अपने जीवन में काम करें। सबसे पहले और मुख्य बात शुरू करूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भोलेनाथ का एक नाम जरूर लिखें, जैसे जय शिव शंभो, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जो आपका मन हो जरूर लिखें। इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, अब हम आते हैं फिर से मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात है कि घर में जो भी बुरी शक्तियाँ जो है, शक्तियाँ दो प्रकार की, एक अच्छी शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ। बुरी शक्तियाँ आने के पीछे एक सबसे बड़ा वजह है, वो है जैसे ही हम किसी चिंता में, टेंशन में डूबे। देखिए, इस युग में टेंशन होना कोई बड़ी बात नहीं, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ टेंशन होता है, पर ओवर थिंकिंग और उस टेंशन में हम जब डूब जाते हैं तो किसी भी कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता है, पहली बात। और जब हम, हमारा जो शरीर है वो एक यंत्र है, उस यंत्र में नेगेटिविटी अपवास कर लेती है और जिस घर में हम रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, वहाँ वो नकारात्मकता आपको हमेशा के लिए तकलीफें खड़ी करती है। तो पहली और मुख्य बात है कि चिंता करने से रोग आते हैं, चिंता करने से घर में तकलीफें आती है और चिंता करने से हमारी योग्यताओं का क्षरण होता है, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो जो भी चिंता है वो भोलेनाथ के ऊपर आप समर्पित कर दें कि जो भी मेरी चिंता है भोलेनाथ, मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप ही देखना, आप अपना सिर्फ ईमानदारी से कर्म करते जाए। दूसरी बात होती है घर में अनुपयोगी चीज़ें जो नेगेटिव वेव्स क्रिएट करती है, जो भी अनुपयोगी चीज़ें उन्हें आप घर से बाहर कर दें। दूसरा होता है कि घर में आप कभी भी अपने घर में कभी भी आप साल में एक बार जो भी अपने पुराने कपड़े हैं वो दान जरूर करें, क्योंकि उन्हें दान करने से बहुत सी चीज़ें हमारी पॉजिटिव वे में जा सकती है, ये आदत जरूर डालें। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्म जो अपने घर में करते रहे, जैसे कि अभिषेक भोलेनाथ का करा, सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं, कोई यज्ञ छोटा अगर आप करा पाएँ तो वो कर सकते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान आप जरूर करते रहें, इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और अपने माता पिता का पूरा सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें,